तो आज हम सिमिलर ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो छात्र देखें, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। तो यहाँ देखेंगे कि दो त्रिभुज दिए, मान लो त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यदि पहला कंडीशन क्या है, संगत कोण बराबर हो, अर्थात कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। दूसरी कंडीशन क्या दी है, भुजाएं अनुपातिक हों। इसका मतलब क्या होगा, ए बी भुजा अपॉन पी क्यू भुजा, बी सी भुजा अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये भुजा अनुपातिक। यदि ये दोनों कंडीशन को संतुष्ट करता है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो समरूप के लिए क्या कंडीशन शो करते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें जो वेव है वो समरूपता का चिन्ह है, जो वेव यूज किया है वो काहे के लिए यूज करते हैं, समरूपता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको समानुपाती प्रमेय कहते हैं, इसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। इसमें क्या लिखा है कि यदि एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक दूसरी भुजा लाइन खींचते हैं तो वह अन्य दो भुजाओं को अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, डीई भुजा जो है वो समानांतर है किसके, बीसी के। और तो हमको क्या सिद्ध करना है, हमको यह दिखाना है कि यह जो समानांतर भुजा है वो ए बी अन्य दो भुजाएं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमको यह सिद्ध करना है, क्या दिखाएंगे कि ए डी अपॉन डी वी AE अपॉन EC, ये कंडीशंस हमको शो करेंगे। क्लियर, अब हमको एक थेल्स प्रमेय सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको यहां दिया क्या है, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है, डीई समानांतर है बीसी के, ये दिया हुआ है। ठीक है, साथ में लंब दिया हुआ है तथा ये दिया हुआ है ईएफ, लंब है किस पर, एबी पर, और डीजी लंब है ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी। तो हम इसमें देखते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आधार, आधार कितना है ए डी इंटू लंब, लंब कितना है ई एफ। इसमें देखते हैं इसका आधार कितना है, 1/2 बी डी, और लंब क्या है ई एफ। ई एफ, ई एफ कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, यहां क्या बचेगा ए डी अपॉन बी डी, पहली कंडीशन। अब हम दूसरे त्रिभुज के लिए देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई में ये कितना हो जाएगा, हाफ का आधार कितना है ए ई, और लंब क्या है आपका इसमें डी जी, और यहां पर क्या है आधार सी ई, और लंब है इसका डी जी। तो डी जी कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, कितना आ गया ए ई अपॉन ई। अब हमको पता है कि दो समानांतर भुजाओं के बीच में बने हुए त्रिभुज का क्षेत्र बराबर होता है, तो यहां पर चूंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वन इक्वल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टू। तो इन दोनों समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, इसके न्यूमिरेटर बराबर थे, डिनोमिनेटर भी बराबर है, यानी एक का लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड ऑफ वन इक्वल राइट हैंड साइड ऑफ टू, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है इसका, ए डी अपॉन बी डी, और ये कितना दिया हुआ है ए ई अपॉन ई सी। ये हमारा प्रमेय सिद्ध हो गया, क्लियर। अब हमको दूसरा प्रमेय है, इसको हम बोलते हैं हेल्स प्रमेय का विलोम, क्या बोलते हैं। तो इसमें हमको दिया हुआ है कि भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो हमको यह शो करना है कि वह तीसरी भुजा समानांतर है, तो यहां पर दिया क्या है, दिया है ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, और सिद्ध करना है कि डीई समानांतर है बीसी के, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम यहां मान लेते हैं कि मान लो डीई डैश समानांतर है बीसी के, तो हेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये नंबर वन है और ये नंबर टू, वन तथा टू से,
क्या हो जाएगा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, क्या हो जाएगा, ई ई अपॉन ई सी इक्वल ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। क्लियर? तो हम यहां देखते हैं कि दोनों तरफ वन ऐड कर दें, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ए सी अपॉन ई सी, ये कितना आ जाएगा, ए सी अपॉन ई डैश सी। और ए सी चूंकि दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ई डैश ई सी इक्वल टू ई डैश सी। इसका मतलब क्या है कि ई तथा ई डैश संपाती हैं, क्या है, संपाती हैं। और इसका जब संपाती है तो हमारा ये नंबर वन प्रूव्ड हो जाता है कि यह कथन सही है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम यहां देखते हैं कि यहाँ डीई समानांतर है बीसी के, तो हमको एडी इस बार में हमको ईसी फाइंड करना है। तो ये हमको चूंकि समानांतर है, दिया क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं कि डीई समानांतर है बीसी के, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ए डी की वैल्यू रख दीजिए, ए डी कितना दिया होगा 1.5 और डी बी कितना दिया होगा 3, ए ई दिया हुआ है 1 और हमको ई सी फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इक्वल 1 अपॉन ई सी। तो ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो सेकंड को कर लेंगे। हमको यहां पर अगला क्वेश्चन है, हमको यहां पर एल एम समानांतर है सी बी के और एल एन समानांतर है सी डी के, ये दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन ए बी। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या देखते हैं, एल एम समानांतर है किसके, बी सी के। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी नंबर वन। अब हम दूसरे त्रिभुज में लेके चलते हैं, त्रिभुज ए डी सी में क्या दिया हुआ है, एल एन समानांतर किसके, बी सी के। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन ए डी इक्वल ए एल अपॉन ए सी नंबर टू। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड ऑफ वन इक्वल राइट हैंड साइड ऑफ टू, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वन इक्वल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टू। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी, ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर, थैंक यू।